हेलो फ्रेंड्स, हम आज 9001-2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मीन्स QMS उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। वो क्या है, उसका कुछ क्लॉजेस भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो वो सब क्या है, वो एक्चुअली उसका क्लॉजेस नंबर 4 से एक्चुअली चालू होता है। उसका क्लॉज क्लॉज मीन्स CLAUSE क्लॉज मीन्स क्लॉजेस के ऊपर ही ISO स्टैंडर्ड्स आता है। ठीक है, वो क्या है, देखिए यहाँ पे कॉन्टेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, संगठन और उसके संदर्भ को समझाना। ठीक है, देखिए ये वाला कॉन्टेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का संदर्भ के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 4.1 क्लॉज में अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेस्ट, वो क्या है, संगठन और उसके संदर्भ को समझाना। ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ है, द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इश्यूज दैट आर रिलेवेंट टू इट्स पर्पोज एंड इट्स स्ट्रेटेजिक डिरेक्शन एंड दैट इफेक्ट इट्स एबिलिटी टू अचीव द एक्सटेंडेड रिजल्ट ऑफ इट्स क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि संगठन बाहरी और आंतरिक मुद्दों का निर्धारण करेगा जो उसके उद्देश्य और उसकी रणनीति दिशा के लिए प्रासंगिक है और जो उसकी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के इच्छित परिणाम प्राप्त करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग ये है। ठीक है, और नेक्स्ट, द ऑर्गेनाइजेशन शैल मॉनिटर एंड रिव्यू इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एक्सटर्नल एंड इंटरनल इश्यूज। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, संगठन इन बाहरी और आंतरिक मुद्दों के बारे में जानकारी की निगरानी और समीक्षा करेगा। ठीक है, तो हमारे नोट वन में क्या आया, नोट वन में इश्यूज कैन इंक्लूड पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स और कंडीशन फॉर कंसीडरेशन। ठीक है, वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि मुद्दों में विचार के लिए सकारात्मक और नकारात्मक कारक या शर्तों शामिल हो सकते हैं। ठीक है, ये नोट वन है हमारा। और नोट टू क्या बोल रहा है, नोट टू में हमारा अंडरस्टैंडिंग द एक्सटर्नल कॉन्टेस्ट कैन बी फैसिलिटेटेड बाय कंसीडरिंग इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम लीगल टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटिटिव मार्केट कल्चरल सोशल एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट्स वेदर इंटरनेशनल नेशनल रीजनल और लोकल। ठीक है, वो क्या बता रहा है, कानूनी तकनीक प्रसिद्ध बाजार सांस्कृतिक सामाजिक और आर्थिक वातावरण से
उत्पन्न होने वाले मुद्दे पर विचार करके बाहरी संदर्भ को समझाने में मदद के समझाने में बाहरी संदर्भ को समझाने में मदद की जा सकती है, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या स्थानीय हो। ठीक है, वो नोट टू में ये बता रहा है। ठीक है, और नोट थ्री में क्या बता रहा है? नोट थ्री में अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल कॉन्टेक्स्ट कैन बी फैसिलिटेटेड बाय कंसीडरिंग इश्यूज रिलेटेड टू वैल्यूज, कल्चर, नॉलेज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है संगठन के मूल्यों, संस्कृति, ज्ञान और प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर विचार करके आंतरिक संदर्भ को समझाने में सहायता की जा सकती है। ठीक है, हमारा डिस्कशन इतना ही है। हम आज कौन से क्लास के बारे में डिस्कशन किए? 4.1 अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेस्ट। थैंक यू।